हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। कैसे आप लोग, उम्मीद करते हुए सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आपको बता दें, तो आज सुबह सुबह 6 बजे हम पहुंच चुके थे मामा के यहाँ पे घर पे। तो अभी हम बैठे हुए बर्तना प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग देखो, तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा लखनऊ। तो अभी हम अपने, ये पता नहीं कहाँ की ट्रेन है, अभी हमारी ट्रेन देख रहे हो भाई, ट्रेन अब खाली हो गई। पनकी तक इतनी भरी थी, सांस लेवे की दम नहीं आती, देख रहे हो। ये देखो, तो हम लोग पहुँच चुके हैं लखनऊ और ये हमारे साथ जा रही है श्वेता। देखे कहाँ जा रही, ये देखो हम पहुंच चुके हैं लखनऊ। लखनऊ पहुंचते पहुंचते बज चुके हैं सकल के 12, और वैसे भी 12 बज चुके हैं, 7:43 हो गए। जो ये देखो, ये जवाली ट्रेन में आती, उज्जैन ट्रेन में हम आते। तो अब निकल रहे स्टेशन से बाहर। तो आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है वेलकम टू लखनऊ जंक्शन। तो चलो चलते हैं भाई, चलो श्वेता। भाई आते ही कपड़े चेंज करे, क्योंकि आज इतनी ज्यादा वाली गर्मी थी और ट्रेन में तो कुछ ज्यादा ही वाली गर्मी लग रही थी। क्योंकि कूलर कर देते हैं बंद, क्योंकि चल रहे हैं बाहर, क्योंकि कूलर का भी लगता है बिल। तो चलो आप लोगों को दिखाते चल के बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि अभी हॉस्टल है खाली, क्योंकि अभी यहाँ पे लोग अपनी छुट्टी मना रहे हैं। दो कमरे ही हैं। चलो आए हैं अपने किचन में, अपनी नहीं, यहाँ जो रहते हैं उनकी किचन में, जो आपको दिखाते हैं। चलो आ चुके हैं किचन में। तो आप लोग देख सकते हैं बर्तन रखे हैं भाई साहब, और ये फ्रिज है, इसमें पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। चलो पहले खा लेते हैं, क्योंकि हमें लगी बहुत तेज भूख हो चुका है, क्योंकि ये इस पे था तो फैल गया। तो श्वेता ने उतार के रख दिया इधर, ये देखो। तो चलो कोई नहीं, श्वेता भूख लगी है, श्वेता के 12 बज रहे हैं, ये देखो आवाज नहीं निकल रही। कछु ले आओ दीदी, पहले कछु ले आओ यार, भूख लगी बहुत तेज। कूलर चलाओ, फुल स्पीड पे बैठे हैं कूलर के सामने, क्योंकि लग रही है गर्मी 2-3 दिन से है बहुत ज़्यादा वाली गर्मी। तो अभी हम नहाए नहीं है, तो अभी थोड़ी देर बाद नहाएंगे, क्योंकि अभी आए थे तो गर्मी लग रही थी, उस वजह से नहीं नहाए थे। है श्वेता, हमारे चक्कर में श्वेता को आज घूमन को मिल गया, वैसी बात है, देख रहे हैं शरमाए रही है वे। काफ़ी दिन बाद आई हैं ब्लॉग में, जाके मारे क्यों आए कि मारे, आज हम खुद मामा के यहाँ से सुबह सुबह आए हैं। 6 बजे चले थे, 7 बजे पहुँचे, 7 बजे से सीधा बर्तना, बर्तना से सीधा आ चुके हैं लखनऊ। तो अभी बैठे हुए हैं कूलर की आवाज़ में, भूख लगी थी, भूख बहुत तेज वाली भाई। तो हम लोगों ने अभी पिज्जा ऑर्डर किया है, तो हमारा पिज्जा आ चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं रखे हुए हैं, और रखे हुए कोल्ड ड्रिंक, और श्वेता अभी बिल देख रही है, ये भी ब्लॉग देख रही थी। तो चलो कोई नहीं, तो चलो हम लोग खा लेते हैं, खाने के बाद फिर मिलते हैं आप फिर। यस, तो गाइस शाम हो चुकी है, तो अभी हम बनाने जा रहे हैं अपने खाने के लिए तहरी। तो आप लोग देख सकते हैं आलू रखे हुए हैं, तो ये इसमें से कुछ आलू चले जाएंगे तहरी में, और कुछ आलू की बन जाएगी सब्जी। तो ये प्याज रखा हुआ है, ये मिथौरी रखी हुई है, हरी मिर्च। तो ये देखो एकदम प्याज, तो अभी चलो अभी प्याज फ्राई हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं भैया, गंदगी इग्नोर मारो, क्योंकि ये हॉस्टल है, यहाँ पे सबकी अपनी अलग अलग गैप रखी हुई है, लेकिन फिर भी बहुत साफ है। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी पीछे से, ये देखो ये। चलो ये हमारी मफालदानी है, क्या नमक का डब्बा कहाँ है, ये देखो बर्तन रख, इस वाले रैक में, इसमें कहाँ पे है नमक यार दोस्त, ये तो चीनी है। नमक नहीं मिल रहा हूँ मैं यार, तो तुम खड़े होके देखियो बस, हैं थोड़ी मदद करवाओ, खाना बनवाओ, हैं करने कंपनी दे रही है, लेकिन खाना बनवाने मन नहीं लग रहा है इनका, खांसी हो रही है लोगों को, ये देखो। चलो अब इसमें क्या जाएगा, ये बहुत शुरू नहीं चल रहा है तुम्हारा, 14 पे है भैया। ये इसमें क्या लगा हुआ है, पन्नी पे है क्या वो, कोई ये क्या है? अच्छा ये चलने लगा, हम डर गए, बोले पता नहीं क्या चल रहा है। चलो तब तक खाना ही बनना है, क्या किया जाए, लेकिन आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आप हो गई शाम के, बज चुके हैं 8:30, वो आए हुए हैं फिर से रूम में, बस यहीं से, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इतना ही चक्कर लगाओ। और अभी खाली है, तो इस वजह से पूरी मौज में घूम रहे हैं श्वेता। यस, इसमें भी स्टोरेज बॉक्स बना, हाँ इसमें भी मेकअप का सामान रखा हुआ है, लिपस्टिक लगा
कह रही कि लाल लिपस्टिक लगा ले काय के लिए हट के लिप बाम मिल गया फ्री को कूलर चला दो बहुत गर्मी है ये लो आई करते हैं इसको का घुमा रहे हम दिखाई नहीं दे रहे मोबाइल के चक्कर में चालू करके आओ कूलर चलाए क्या बंद को करके आओ गिराई दी दीदी ने हमें देखी नहीं है सामान पटक रही है टोड़ा फोरी करने लगी है वहीं पे ए छोटू और माया सामान बहुत ज़्यादा गिरा दी कह रही बताइयो नहीं चलो हम नहीं बता रहे जल्दी आओ ये स्टार्ट हो गया बैठते हैं क्योंकि लग रही है गर्मी अच्छा और बताओ कैसा लग रहा हो अच्छा लग रहा हो जना आए के बढ़िया लग रहा हो काम नहीं करने पर रहो आज जाके हमारा बढ़िया लग रहा हो चलो कोई नहीं अब इनसे यही करवा ली झाड़ू पोछा भाई ये तो काम वाली भाई तो हुई ये तो गाइस हमारा खाना बन चुका है तो हम खाने जा रहे हैं खाना तो ये पूरी हम घर से लेके आए थे तो वही बच गई थी और ये सब्जी अभी बनाई है सुनने में आ रहा है कि दाल चावल भी बने हैं तो पहले यार तुम लोगों ने सब्जी रोटी रख ली हो खाने लगे कैसे होता दाल चावल रखो हम दाल चावल खें सब्जी पूरी नहीं खें हेलो गाइस गुड मॉर्निंग तो सुबह हो चुकी है तो कल रात को हम आगे सूट इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि बैटरी हो गई थी ख़त्म तो इस वजह से शाम भी हो गई थक गई थी थक गए थे तो इस वजह से सो गए थे तो अब हो चुकी है सुबह तो आप लोग देख सकते हैं सुबह सुबह हम लोग बना रहे हैं चाय सुबह बन रही है चाय और ये दूध हो गया है गर्म और ये खड़ी हुई है श्वेता तो अभी दीदी बोली श्वेता जाके चाय बना लो जाके श्वेता बोल रही है आपकी 6-7 दिन की सबको श्वेता बहुत अच्छी लगेगी खाना। अच्छा खाना बहुत अच्छा लगेगा देख रहे हो तो पीछे बालकनी टाइप की है जाने जाओ आओ गेट खोले आप खड़े होके देख रही हैं कि पीछे कैसा है तो ये पीछे साइड हाँ तो इस वजह से ऐसा पड़ा हुआ है क्योंकि किचन के गेट खोलो तो पीछे ऐसी बालकनी टाइप की है ये देसी घी जो कि हम घर से लेके आए थे तो सुबह तो हम लोग अपने ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड सेक रहे हैं लगाओ इसमें कंजूसी काय दिखा रही हो सूखी सूखी बना रही है एकदम तो भाई हम ये ब्रेड नहीं खाते हमें अच्छी नहीं लगती है हम केवल चाय पीते हैं जो कि यहाँ बन रही है मेरे कैन पे अभी तो लगाए रही ज़्यादा नहीं खाओ नहीं एक दिन में पहलवान हो जाओ तुम लोग काय काय लग गई फिर तक गेट गेट नहीं लगा पा रही मैं यस चलो तो भाई हम जान गए थे तुम में ताकत नहीं है तभी देसी घी से हम तो पहले नाश्ता बनवाए रहे सवेरे से चलो तो हमारा नाश्ता बन के हो चुका है तैयार तैयार तो ये ब्रेड भी सिक के आ चुकी है और चाय भी बन चुकी है और रोज़ की तरह आज भी श्वेता ने हमसे नहीं पूछा और कप उठाया और चाय पीने लगी क्योंकि ये बोल रही है तो हमारे साथ काम नहीं करवाती इसलिए हम तुमसे नहीं पूछेंगे और बिना पूछे खाना पीना स्टार्ट कर देंगे मैनर्स सीखो पहले बड़ों को खिलाया जाता है फिर छोटे खाते हैं ऐसा कुछ नहीं है खाओ पियो मौज करो तो चलो हम लोग कर लेते हैं ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक ब्रेकफास्ट हो चुका है तो ये इतने कपड़े रखे हुए हैं क्योंकि मामा के यहाँ से आए थे तो गंदे हो गए तो चलो इन कपड़ों को धुल लेते हैं तो चलो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो कमेंट करो अगर वीडियो पर नया आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ प्लीज़ लाइक कमेंट कर दिया करो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय।